शेयरिंग में भी इतना लेट हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं, सब काम चल रहे हैं और अपने गति से चल रहा है और समय पर सब कुछ हो जाएगा और आपको सब पता भी चल जाएगा। शुरुआत हो चुका है और सभी लोग कहते हैं जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी है, योग्य है, इनको संयोजक बनाया जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जब कह चुके हैं कि हमको किसी पद की लालसा नहीं है, उसके बाद इस तरह का प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम लोग मानते हैं, बिहार के होने के नाते, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते, कि बिहार में जितना उन्होंने काम किया है, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देता है, चाहे वह जातीय गणना हो, जल जीवन हरियाली हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम है, नल जल योजना हो, घर घर तक जो पानी पहुंचाने का काम है, दूसरे राज्य भी इसको ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ संयोजक क्यों, अगर सबसे अनुभवी हैं तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, अनुभवी हैं। और हम लोग तो मानते हैं कि इनको कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हो, ये बात उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और सीट शेयरिंग का काम चल रहा है, समय पर हो भी जाएगा, शुरुआत हो गया है, अब लोग भी देख ही रहे हैं, जो भी काम है सब समय पर होगा। लेकिन वो तो सबका अपना अपना राय है ना, उनके कह देने से तो कोई कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे। और अपना अपना राय देने के लिए गठबंधन में अगर 27 दल है तो 27 को अधिकार है अपना अपना बात रखने का, फिर सामूहिक रूप से उस पर निर्णय होगा, निर्णय सब मिल के लेंगे। अभी आप लोग सब अलग अलग से प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग से हम लोग जवाब देते हैं, फिर सामूहिक रूप से आप लोग उसको निचोड़ निकालिएगा। तो हम लोग गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है, तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी है तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। योग्यता पे सवाल खड़ा कर दिया बीजेपी से। तो क्या लगता है कि इस तरीके का बयान बार बार सनातन के विरोध में, आप प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना कि वो मांसाहारी थे, क्या इस तरह के बयान आपको नहीं लगता कि इंडिया का बदला और कमजोर कर सकता है? वो उनका अपना बयान है, बिहार में हम लोग कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ न बोलते हैं, न ही हम लोग सुनना पसंद करते हैं। राम जी के बारे में कुछ भी बोले नहीं, हम लोग कह दिए ना कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म को मानती है, सभी में विश्वास करती है, किसी का हम लोग भेदभाव नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं बोलते। ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह खुशी की बात, खुशी की बात, खुशी की बात है। अच्छा, कौन हिंदू होगा जो कहेगा हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे? जब मौका मिलेगा जाएंगे, सबका मंदिर है ना, सभी शामिल है, नीतीश कुमार भी है, तो सब कोई जिसका मन होगा वो जाएंगे, उसको रोकने वाला कौन है? हमारा इंडिया गठबंधन इसको तय करेगा कि कौन क्या बनेंगे, संयोजक कौन बनेंगे, प्रधान। मानते हैं कि अंडर एस्टीमेट किया जा रहा है, ये जानते हुए कि बड़ा चेहरा है, योग्य चेहरा है। अगर अंडर एस्टीमेट किया जाता तो ये संयोजक नहीं बनते, संयोजक का काम तो ये पहले कर चुके हैं, विधिवत इनको संयोजक के रूप में नहीं पेश किया गया। लेकिन जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधे हैं वो किसका काम है? वो तो संयोजक का ही काम है, ये काम तो पहले ही बिना पद के ये कर चुके हैं। अब अपना सभी लोग निर्णय पर पहुंच रहे हैं और सीट शेयरिंग का जो काम है वो लगभग अंतिम क्षण में। आप लोग ये चाहते हैं कि संयोजक तो भाई शुरू से कर रहे हैं, आप तो प्रधानमंत्री का नाम का घोषणा हो जाना, ये तो सब लोग मिल के करेंगे ना, ये किसी एक दल का काम नहीं है, ये पूरा इंडिया गठबंधन का काम है। और जब इंडिया गठबंधन भी इस पर निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव के बाद इस पर निर्णय लेंगे, तो अब तो इस तरह का प्रश्न आना भी नहीं चाहिए। सर, आपने कहा सीट शेयरिंग